हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सलमा, आपकी कुकिंग फ्रेंड। दोस्तों, आलू एक ऐसी सब्जी है जो हर घर में बनती है। आज मैं आलू फ्राई की रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाहती हूं, जैसे मैं बनाती हूं। यहां मैंने 1/2 kg आलू को धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। आलू को हम प्रेशर कुकर में 3 विजिल आने तक उबाल लेंगे। आप इसे जैसे चाहे उबाल सकते हैं, चाहे तो ओवन में उबाल लीजिएगा प्रेशर कुकर में, या फिर नॉर्मल तरीके से। दोस्तों, ये आलू फ्राई रसम राइस, सांभर राइस, कर्ड राइस या फिर रोटी और नमक वाले पराठों के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। आलू उबालकर मैंने ठंडे कर लिए हैं। अब इसके छिलके को इस तरह से हटा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन उबले हुए आलूओं को फोर्क या फिर उंगलियों की मदद से इस तरह मोटा मोटा तोड़ लेंगे। दोस्तों, हमें ध्यान रहे कि यहाँ पर बहुत बारीक नहीं करना है, बस मोटा मोटा रफली हमें इसे तोड़ना है। दोस्तों, अगर आपको रेसिपीज अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम लहसुन के कलियों को इस तरह से क्रश कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 5 बड़ी-बड़ी लहसुन की कलियों को लिया है। अगर आपके पास लहसुन की कलियाँ छोटी हो तो आप 10 से 12 ले लीजिएगा। लहसुन को आप मिस या फिर कम मत कीजिएगा, इसका स्वाद आलू फ्राई में बहुत अच्छा आता है। 4 हरी मिर्च को भी इस तरह कट करके ले लेंगे। और हमें चाहिए 1 medium to small size के प्याज, जिसे हम इस तरह स्लाइस कट कर लेंगे। दोस्तों, हमें करी पत्ती भी लगेगी, तो आप पहले से ही करी पत्ती तैयार करके रख लीजिएगा। आलू को फ्राई करने के लिए हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल या फिर सरसों का तेल। एक हेवी बॉटम कढ़ाई में 2 से 3 tablespoons सरसों का तेल डालकर इसे अच्छे से गर्म कर लें। इसे हम धुआं निकलने तक गर्म करेंगे, जिससे कि जो सरसों की बो होती है वो चली जाएगी। दोस्तों, मस्टर्ड ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इसे धुआं निकलने तक गर्म कर सकते हैं, तेल जलेगा नहीं। मेरे साउथ इंडियन फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि वो एक बार आलू फ्राई को मस्टर्ड ऑयल में करके देखें, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तेल को गर्म करने के बाद 2-3 मिनट के लिए दोबारा से हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब इसमें डाल दें 1 teaspoon सरसों, जिसमें मैंने थोड़ी सी उड़द दाल भी ले ली है। फ्यूमिंग हॉट ऑयल में कुकिंग करेंगे तो हमारे इंग्रेडिएंट्स जल जाएंगे, इसीलिए हमने तेल को थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। जब सरसों चिटकने लगे तो इसमें शामिल कर दें 1 चम्मच चना दाल। अब इसमें जाएगी क्रश की हुई लहसुन और स्लाइस कट की हुई प्याज। इन्हें हम 30 seconds के लिए तल लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और करी पत्ती। हरी मिर्च और करी पत्ती डालकर इन्हें भी हम 30 seconds के लिए तल लेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर। हल्दी को थोड़ा सा तेल में मिक्स करके हम इसमें शामिल कर देंगे आलू। आलू को तेल में अच्छे से मिक्स करके मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे 3-4 मिनट के लिए ढक के फ्राई होने देंगे। 3 मिनट बाद हम लिड निकाल कर आलू को टर्न कर लेंगे और दोबारा से इसे दूसरी तरफ भी लाल होने तक लिड लगा कर तल लेंगे। दोस्तों, आलू को तलने में 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। इसे दोनों तरफ से लाल होने तक पलट पलट कर तल लें। लास्ट में अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। दोस्तों, यहाँ पर आप नमक भी टेस्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं। मिर्च डालकर 2 मिनट और हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बस अब फ्लेम बंद कर दें और हरा धनिया डालकर इसे मिक्स करके सर्व करें। दोस्तों, मेरी अगली रेसिपी इंशाल्लाह रसम की होगी। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।